दंडवत बंदन अनकबार सारे हाथ जोड़े जी दंडवत वंदन अनकबार दंडवत वंदन सर्वकला डोलनते नानक अगम अगोचर सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले बुलाया तेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अपना नाम जपावो अपना नाम जपावो अपना देव अपना नाम देव अपना नाम देव आया दूरों चल के हाँ आया दूरों चल के हाँ एक हुंदा शरीर करके चल के आना एक हुंदा सुरत करके चल के आना सुरत करके सुरत बड़ी दूर आ शरीर गुरुद्वारे भी कई बार आ जाए सुरत अमृतसर बैठी हुंदी सुरत पटियाले बैठी है दिल्ली बैठी सच है ना अख वाहिगुरु बाबे फरीद ने एक भजन किया फरीदा बेनवाजा कुत्या कुत्या बाबे फरीद ने जेड़ी बाणी कही है ना बाणी प्रभु की सबको बोले तुसी सारे ही अपने आप नू ओही शब्द वरतो मैं भी वरतदा बाणी है ना मिठी चोट है ना चोट अज शब्द की कथा होनी चोट सहारे शब्द की चोट शब्द दी वड्डे चोट ते उनु सहार लवे दास गुरु मैं दास मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदा मैं उनु गुरु मनु मैं दास बन जाऊं जेड़ा शब्द दी चोट सहज है शब्द दी आ चोट सहो अपने आप नु ओही कोई कहना जो बाबा फरीद कहिंदा फरीदा बेनवाजा कुत्या कुत्या मैं आखा परमजीत सिंह कुत्या कोई अपने आप नू जेड़ा भी किसी दा नाम है ये ना भली रीत ये ना ये सुभा तेरा चंगा नहीं रीत मने सुभा रीत मने सुभा समझे सुभा सुभा ओके दा क्या जी की गलती हो गई कहिंदे जिंदगी च वेख कब ही चल ना आयो फरीद सी ना मुसलमान ओ भाषा बोलदा कभी चल ना आयो पंजे वक्त मसीत पंजे वक्त आपा अपने आप नू कहिए भी तेरा ये सुभा चंगा नहीं भी तू पंज बाणिया नहीं पढ़दा पंजे वक्त मसीत पंज नमाजा ते पंज बाणिया अपने आप नू ओही शब्द वरत के बेनवाजा कुत्या ए ना भली ए सुभा कोई एडा तेरा चंगा नहीं रीत तेरी चंगी नहीं जावे गहे विपरन की रीत नू चंगी तरह संभाल लो रीत मैंने सुभा ए साडा रीति रिवाज आ रिवाज दा सुभा ए इतना करना है असीं घरां च करदे आ रीत मैंने सुभा 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 गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहिंदे ने जावे गहे
ते तुसी गहरी अख नाल वेखोगे पंथ अज विपरन दी रीत विच ही आ। खालसा पंथ जी नूं साज के गया सी ना, जब लग खालसा रहे ये दुनिया दी हर रीत तो की रहे न्यारा बने वखरा। क्या बात, न्यारा बने असी वखरे हैं। नाम दे सिखां काम तो सारे विपरा वाले ने, विपरन मने पंडित अक वाहगुरु ब्राह्मण बब्बा शब्द विपरन ब्राह्मण वाले वेखो घड़ी मुड़ी कहन नाल ओ आनंद नहीं बनना, इशारा समझ लिया करो हुण अक वाहगुरु। कोई भी काम ऐसा नहीं जेड़ा असी काम ओ नहीं कर रहे जेड़ा विपर करदे सी। उन्हें कहा जदों ए इस सुभा दे मालक बन जाणगे, जिन्ना चिर तक ते हरी सिंह नलुए तक न्यारे रहणगे, जस्सा सिंह रामगढ़िए तक न्यारे रहणगे, अपनी पूरी रहत मर्यादा च पक्के रहणगे, तब लग तेज दियो मैं सारा सारा तेज प्रताप मैं बख्शू इन्हां नूं, अपना तेज प्रताप मैं इन्हां नूं बख्शूंगा। जावे गए जदों ये फिर कन्वर्ट हो जाणगे ओहो को जी जिहड़ा मैं 500 साल जोर ला के जिथों कढ़िया इन्हां नूं, जे दोबारा किते खुदा न खास्ता ए उही काम करन लग पणगे ते फिर मैं ना करूं। प्रतीत मैंने विश्वास इन्हां दीआं गल्लां दा मैं विश्वास ही नहीं करूंगा जे इन्हां दा सुभाव मुड़ के उथों चले गया जिथों मैं इन्हां नूं 500 साल कोशिश करके कढ़िया। साढ़े 500 साल लगे मेरी सरकार नूं, पुत वारे गए, प्यो वारिया गया, मां वारी गई, तत्तियां तवियां ते कोई बह गया, कोई पुरजा पुरजा कटिया गया, कोई कीमा कीमा हो गया, कोई पट्टियां च झोके गए, कोई पुठे साड़े गए, मगर फिर अज पंथ ने उही करवट बदल ली। गुरुद्वारियां च भी इंसान दे सुभा च भी उही पंडित वड़ गया। पंजां बाणियां दा नितनेम करना, ककारां दी संभाल करनी, अमृत वेला संभालना, इन्हां विचों उड गया। जो सुन के सुनिया मनिया मन कीता ओ कुछ नहीं अज कौम च रह गया। जेड़ा जेड़ा सुन के जावे ओ सुधरदा जावे, जेड़ा जेड़ा गुरुद्वारे विगड़े तो विगड़िया भी सुभाव वाला आवे ओ मेरे मालिक दी बाणी पढ़े सुने ते ओ उसे तरह दा हुंदा जावे जो बाणी कहिंदी, जो गुर कहे। बोलो जो गुरु सोई, भला करके उस गल नूं मन लिया जावे। मेरा गुरु कहिंदा शराब नहीं पीनी, मैं नहीं अज तो पीनी, मेरा गुरु कह रहा। मगर इना गुरु शब्द के विचों शर्ता कहिंदे कथावाचक कह रहा, कीर्तनिया कह रहा, आ काम ना करो ये कथावाचक कह रहा। नहीं, इन्हां ने उधर इशारा ना किया कि ओ कह रहा, इन्हां कहण वाले की उंगल नूं फड़ लिया। अको वाहगुरु, इन्हां कहण वाले नूं ते पकड़ लिया, उहदे उहदे पिछे लग तुरे। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली बेनवाजा कुत्तिया, ए ना भली कभी चलना आयो पंजे वक्त, पंजे पानिया दा जाप करना, अमृत वेले उठना, इशनान करना, कादे लई बना लिया बिल्डिंगा, कादे लई रख ले एडे एडे वड्डे कर्म, कादे लई एडे एडे डंबर बना ले, जे गल गुरु दी मननी नहीं ते। अखो वाहिगुरु। बुले शाह की कहिंदा सी मंदिर ढा दे, क्यों कहिंदा सी? मस्जिद ढा दे, मुसलमान सी, केवल मंदिर ते अटैक नहीं सी करदा। अखो वाहिगुरु, गज के मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढींदा ऐ, पर बंदे दा दिल ना ढाई, ऐ पर बंदे दा खुदा रब एदे विच रहिंदा। मगर बंदे दा ते की ढाउणा जे, गुरु नानक भी तुहाडे वल वेख के की सोचदा हो, तुसीं तां जिन्ने पुत वारते उहदा भी दिल ढाया ही हो, ढटदा नहीं उहदा दिल, ओ चढ़दी कला दा मालिक आ। गुरु गोबिंद सिंह नाम ही चढ़दी कला दा है। अख वाहिगुरु, किसे शरीर दा नाम नहीं गुरु गोबिंद सिंह, चढ़दी कला दा नाम आ गुरु। जे ओ पुत वार के जंगलां दे विच लम्मे पिया वे आनंद ते चढ़दी कला सी, दा जिते नाद विनोद कोड आनंद विच सी, ते तुसी सारे पुठे पासे नूं मूंह करके तुर पो, ओनू तां वी कुछ नहीं होना। जिदन मोड़ाओगे फिर गल ना ला लो, ओने चढ़दी कला च ही रहना है। मगर दिल च सोचदा तां फुरना तां बनाउंदा हो, सिखो पग्गां बन के किधर नूं तुर पए हो। अखो वाहिगुरु, आ
लैना लम्मिया लम्मिया जिथे नहीं सी लगनिया चाहिए सिखा दिया लगिया गुरु सोचता ना आओ मेरे सतगुरु के चरणा ना जुड़ो चौंकड़ा मारो अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार अमृत वेला है वत लगी सच्चे नाम की बोलो वत मींज रुत सीजन 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 कादी सच्चे नाम की सीजन लगी पई जो बीजे सो खाए जो एदा अर्थ ए नहीं का भी जो बीजोगे ओ खाओगे जेड़ा बीजूगा ओ खाओ जेड़ा थोड़ा जे फर्क समझे मैं की क्या जेड़ा बीजू हुण रुत दे विच जेड़ा जेड़ा बीजूगा ओदी खेती बहुत हो जूगी फिर खायो खावे खर्चे रल मिल भाई तोटना आवे वध हो जाई फिर जिन्ना मर्जी खायो खर्चो रल मिल के नाम जपियो जपायो मगर जे बीजोगे ते तां मैं ते कई बार आप जी नूं इह वचन कहा वा जिन्ना अमृत वेले दा बीजिया हुंदा उड़दिया बहिंदिया सौंदिया जागदिया ओ अपने अंदरों कढ़ना भी चाहुण नहीं निकलता वाहिगुरु ना भी कहना चाहुण जिथे नहीं कहण दी गल उथे भी मुंह चो निकल जांदा वाहिगुरु क्योंकि बीजिया है ना अमृत वेले दा सुरत च जो जी होए जो सवेरे सुरत विच बीजिया ओह एटोमैटिकली मुंह चो निकल आउंदा बीज दियो वाहिगुरु 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 जियो टिक के जपो टिक के श्री वाहेगुरु गज के बोलो विच आसा बोलो फिर बोलो विच होए नरासी पता लगा जी नहीं आस ते है भी इतो कदी खाली जाना ही नहीं मगर जपे नरास होके आस तो रहत होके नहीं पता लगा आस तो इस करके ना जपे भी मैं लेना है विच आसा होए ते जन मिलो पासी पासी कोल खलोता मिल गया फिर आस ने दूर किया सी आसा ने गुरु दूर कुरता ते आसा लागे खलो गया गुरु दूर हो गया गुरु कोल ही खलोता सी चौबी घंटे मेरिया आसा विच आ गई ते गुरु दूर हो गया कोल खलोता सी अको वाहेगुरु गुरु कोल खलोता सी ते जन मिलिया पासी आसा खत्म होईयां ओ पासी खलोता सी मिल पिया नहीं पता लगा जे अको वाहेगुरु विच आसा होए निराशी आसा वाली जगह ते भी आण के निराश होके जपे निराश आस तो रहत होके इस करके ना जपे भी मैं कुछ लैण ली जप रहा जिसकी बस्त केवल आखे स्वास तेरे ने तेरे आनंद च जप रहा लैण नू थोड़ा आखो वाहेगुरु केवल लैण ली नहीं वाहेगुरु वाहेगुरु किया जा रहा तेरा तुझको तेरे स्वास तेरे खाते लग रहे तेरे निमित्त लग रहे आखो वाहेगुरु एदे नालों वड्डी खुशी की आ भी धी ली पैसे जोड़े हुण ते धी दे विआह ते लग जाना नहीं पता लगा पता लग रहा धी ली ते धी दे ते जे ओ पैसे जोड़े बीमारी ते लग जाना आखो वाहेगुरु सब तय सनैस हो गया मुकदमे ते लग जाना अखा चो आप मुहारे अथरू वग पैंदे भी पैसा ते मैं धी दे विआह ली जोड़िया सी
ते लग गया बीमारी ते। इतना ही तुसी कहोगे स्वास्थ्य मैं गोविंद नूं मिलने लई लैके आया सां, लग गया विशे विकारां ते। आखो वाहिगुरु। जिदन तुसी आस तो रह तो के रब की बंदगी की, रब दूर नहीं तुहाडे तो, रब ते तुसी एक इंच भी दूर नहीं, नेड़े है। बोलो गज के आख्या करो, दूर ना जाने हो। इन्नी दृढ़ता, इन्नी दृढ़ता गुरु नानक ने दवाई, दूर ना जाने हो, दूर ना जाने हो। दुनिया के लोगों कभी जाने ही ना भी रब तुहाडे तो दूर आ, सिर्फ आसा विच खलोती है, आस विच खलोती तुहाडी। वो की करे जदों मिलने लगता, तुसी कहिंदे जी मैनू दुकान दिओ, वो कहिंदा लै दुकान लै जा, मैनू कहिड़ी गल दा घाटा, मैं तो सोचता सा तू कभी मैनू मंग, मैं भी आऊंगा। अको वाहिगुरु। जिन्ना जिन्ना ने जो कुछ मंगिया उन्हें उन्होंने वह कुछ दे के तोरिया, लैने की उदाहरण ताडे सामने। उस वेले जो जो दुनिया ने मझा मंगिया, गुरु नानक साहब ने कहा जा घर भर जूगा मझा ना। अको वाहिगुरु। घर मंगे घर दिते, खेत मंगे खेत दिते, सुख मंगे सुख दिते, औलाद मंगी औलाद मिली, मगर कोई आसा विच निराश होके बैठा सी, मैं ते मंगनी कुछ नहीं आया, मैं ते गज के बोलो ना। हुण गलास दे विच कोई मंगी नहीं सी, खाली पिया सी भांडा, खाली पिया सी, उन्नू चाहिदा सी खाली भांडा जिदे विच ओ बहिंदा। अख वाहिगुरु। जिदे जिहड़े घर च ओ जाके बहिंदा, उन्नू घर खाली चाहिदा सी। उन्हें वेख्या सारिया के घर च कोई ना कोई आस आ, सारे ते कोई ना कोई मंग लिख के बैठे, सुरत रूपी भांडे च कुछ ना कुछ चल रहा, मैं कित्थे मां नहीं पता लग रहा जी, मैं ते खाली जगह ते बैठूंगा ना। वो मलदा थोड़ा भी तू परे हो ते मैं बैठा, नहीं नहीं, वो कहिंदा सी मैनू खाली घर चाहिदा की, ते जदों लहने दे नेत्रां च पा के चंगी तरह सरकार ने वेख्या ते पातशाह नूं पता लग गया ये घर खाली है। किसे दीआं अक्खां च पुत वसे सी, उन्हां नूं पुत दे दित्ते, किसे ने घर मंगे उन्हां नूं घर मिल गए, जदों वेख्या ते घर ही खाली, इत्थे ते मंगी कोई नहीं, विच आसा होए निराशी, आसा वाले घर च भी निराश होके बैठी सी, आस तो रह तो के तेन जन मिलिया पासी, कोई खलोता सी, आख्या लैने घर खाली आ, दो दिन किराए लई देना है। आखो वाहिगुरु। की दो दिन किराए ते लिया सी। आखो वाहिगुरु। गज के बोलो। ते लैने ने आख्या महाराज किराए की की जरूरत आ, घर ही तुहाडा है, कुछ एक दिन ओहदे च रहे, जय जयकार घर दी कराती, जेड़े घर च बैठे अंगद देव दी जय जयकार कराती। फिर दूसरे तो तीसरा एक दिन आया, घड़ा ढोंदा ढोंदा वेख्या सारी दुनिया कुछ मंगदी रहिंदी आ, ऐस पुरख दीआं अखां च वेख्या भी इहदा घर खाली है, बजुर्गा मैनू रहण नूं घर चाहीदा, गोंद वाले एक घर लभ के दे यार सानूं। आखो वाहिगुरु। ते उन्हें कहा जी दस दा खाली है, की आख्या कुछ नहीं चाहिदा, तुसी आ जाओ, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ, उत्तम मत, ओनू पता सी भी मत ने मेरा चार छ चार दुआरी वाला घर नहीं मिलना, ना कुछ मिलना, मेरे हृदय दे विच तो मत आरनी है गुरु दी। जदों ने आख्या मेरा भी खाली आ। आखो वाहिगुरु। ते उन्हें पहलो करतारपुर छड़ के खडूर, ते फिर खडूर वाला छड़ के गोंदवाल, फिर आख्या हुण नवा नकोर घर लभीए क्योंकि हरिमंदर बनाउणा है। आखो वाहिगुरु। नवा नकोर, फिर टोकरी ढोंदे नूं किसे पचंगी नूं आख्या मैनूं इक घर चाहीदा, उहनां कहा जी मेरा खाली है, वह जोत ओहदे च बह गई, फिर बहिंदी बहिंदी इत्थे आके बह गई, सदा लई बह गई जिथे हुण खाली नहीं करना पैणा, जिथे सदा लई टिक गई। जिदन तुसी आसा तो रह धो के गुरुद्वारे आउंदे हो,
दूरों नहीं लब आउंदा, रब ते तुहाडे कोल खलोता। चतर चक्कर करता जैने पेखो, चतर चक्कर पासे, चतर चतर चक्कर वासे, चतर चक्कर माने, चतर चक्कर दाने। चार पासे मान पाउन वाला, चार पासे दान करन वाला दूरों कितो आऊ, उते तुहाडे कोल खलोता। अज वाले वचन दी आओ विचार करिए, एक मन एक चित हो जाओ, आखो वाहेगुरु गज के बोलो ना। राती आप जी ने यह वचन सुनिया सी, जय अन पाओ तै पाओ नहीं, जिथे अनुभव हुंदा उथे डर नहीं हुंदा। अनुभवी बंदा कदी डरदा नहीं, उन्हें मौत का अनुभव किया सी ना ते डरे नहीं, मौत तो भी डर नहीं आया। आखो वाहेगुरु, जय पाओ तै हर नाए। जिथे कोई डर रहा होगा भय भीत होगा, समझना इत रब बहुत दूर है। ब्रह्म ज्ञान की शोभा